हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी फूल गोभी और मूली की सब्जी की। काफी टेस्टी लगता है और काफी इजी है बनाना। जो हमारे किचन में बेसिक मसाले अवेलेबल होते हैं उसी से बनेगा, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मूली और गोभी का बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। मूली और फूल गोभी का सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही सब्जियों को कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg फूल गोभी लिया है और उसके फूल और डंठल पार्ट को हटा दिया है, फूल को जस्ट काट के निकाल लिया है। 1 मूली लिया है बड़े साइज का, उसके छिलके उतार कर और मोटे टुकड़ों में गोल गोल शेप में काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं चॉप किए हुए और 1 आलू को उसके भी छिलके उतार कर और मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं 1 आलू। तो ये आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही डालें। मैंने 1 आलू कट किया है। अब नेक्स्ट कुकिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई को गैस के ऊपर रखेंगे और इसमें 4 बड़ी चम्मच से तेल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल। तो चूंकि यहाँ पे हमको गोभी को और आलू को फ्राई करना है, इसलिए पहले हम इसमें ज़्यादा तेल डालेंगे। तो मैंने 4 बड़ी चम्मच से यहाँ पे तेल डाला। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे तेल को, और फिर इसमें जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तेल, इसमें ऐड कर देंगे आलू और ये गोभी जो भी कटे हुए हैं। इसको ऐड करके और इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको भून लेना है। हल्का सा जब ये श्रिंक हो जाए और इसका कलर जब चेंज हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए भूनने का, वहाँ तक इसको भून लेना है। तो इसको एक दो मिनट में ये भून जाता है। फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम टू हाई। तो कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं ये इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो इस स्टेज पे आके हम इसको निकाल लेंगे, कढ़ाई से बाहर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो भुनने का मार्क्स होता है ना, आ गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो इस स्टेज तक ही हमको इसको भून लेना है, दो सब्जियों को, आलू को और गोभी को। तो आप क्या करेंगे, कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे इसको, और इसी कढ़ाई में जो तेल बचा है ना, इसी में हम अब सब्जी का प्रोसेस करेंगे। तो आपको अगर लगे कि ये तेल ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं, बट ये मुझे सफिशियंट लग रहा है। 2 बड़ी चम्मच के करीब है तेल, तो ये सब्जी के लिए सफिशियंट है, तो मैं नहीं निकालूंगी। लेकिन आपको कम तेल यूज करना है, इससे भी कम तेल, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो तेल गर्म ही है, तो इसी में डायरेक्टली अब तड़का लगाएंगे। तो इसमें मैंने 1 तेज़पत्ता 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, इसको 1 तेज़पत्ता ऐड किया। 1 छोटी चम्मच से अक्खा जीरा मैंने ऐड किया, 2 टुकड़े सिनेमोन के और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर मैंने ऐड किया तड़के में। तड़का को अब हल्का सा भून लेंगे, इसको ब्राउन करेंगे। जब ये भून जाए हल्का सा, इसमें फिर ऐड करेंगे मूली जो हमने चॉप करके रखे थे। तो मूली को पहले हम ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम टमाटर को भी ऐड कर लेंगे। तो मूली और टमाटर को एक साथ ये तड़के के साथ हमें भून लेना है, लगातार चलाते हुए। फ्लेम को मीडियम रखें और इस तरह से करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए हमको इसको भून लेना है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी, हमारे गांव में इस तरीके से बनती है, तो मैं भी बनाती हूँ। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है ये दोनों कॉम्बिनेशन, गोभी का और मूली का। 1.5 मिनट के बाद जब ये भून जाए मूली और टमाटर, फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ी चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो करीब 4 से 5 मैंने हरी मिर्च इसको बीच से काट लिया था, मतलब एक हरी मिर्च को 2 टुकड़े कर लिए थे, तो उसको मैंने ऐड किया। और दोनों को साथ में, इन सारी सब्जियों को एक साथ फिर से कुछ देर के लिए हमें पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट मिक्स कर लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में सबसे पहले मैंने ऐड किया हल्दी पाउडर, तो 1/4 स्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि मिर्ची ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। 1 चम्मच छोटी चम्मच से ऐड किया मैंने जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे हम लोगों ने हरी मिर्च भी डाला है, तो लाल सूखी मिर्च का पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के लिए, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर लें। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखें और
लगातार चलाते हुए एक से डेढ़ मिनट के लिए हमको भून लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और भून जाए, फिर इसमें ऐड करेंगे हम फ्राइड गोभी और आलू। आप देख सकते हैं मैंने भून लिया, ऐड कर देंगे फ्राइड गोभी और आलू। इन दोनों सब्जियों को ऐड करने के बाद फिर से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह। इतना मिक्स करना है कि ये जो गोभी है इसके ऊपर सारे मसालों की कोटिंग हो जाए और ये इसका मतलब जो वाइट दिख रहा है ये मसालों के कलर में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से और इसकी बहुत अच्छी कोटिंग हो गई एक तरह से। तो आप क्या करेंगे, इसमें अब ऐड करेंगे पानी, फ्लेम को लो कर देंगे थोड़ा और फिर ऐड करेंगे इसमें पानी। तो मैंने यहाँ पे पानी डेढ़ कप के करीब ऐड किया है, लेकिन आपको ग्रेवी ज़्यादा पतला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें और कम चाहिए तो एक से डेढ़ कप पानी सफिशियंट है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने पानी डालने के बाद ऐड कर देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता फ्रेश बारीक कटा हुआ और इन सारी पानी को और धनिया पत्ता को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ और फिर इसको ढककर पकाएंगे। क्योंकि ये फ्राइड है, हाफ कुक है सब्जियां, तो इसको ये अच्छे से पक जाए और सारे मसाले इसके अंदर तक आ जाएं और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आए सब्जी का, तो इसके लिए अब ढक कर हमको पका देना है। तो यहाँ पे ढक कर करीब 5 से 7 मिनट के लिए हमें पकाना है और फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। लो टू मीडियम रखने के बाद 5-7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया और फिर से इसको चला लेंगे। फ्लेम को अभी हम तेज़ कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा तेज़ किया और 1 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा सा और पका लेंगे और थोड़ा सा पानी को और सूखने देंगे 1 मिनट के लिए। अगर आपको लगे कि पानी ये ठीक है इतना ग्रेवी, तो आप इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर सकते हैं। सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई हैं और ये बहुत यम्मी सा हमारा मूली और गोभी का सब्जी बन के रेडी है खाने के लिए। इसको आप चावल के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगती है। ये हमारे गांव में इस तरह से बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो आई होप कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।